अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। यूपी के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान कई विभागों ने बहुत बेहतर कार्य किया है। बिजली विभाग की शिकायतें भी मिली हैं, इसमें तुरंत सुधार किया जाए। अधिकारियों का काम बेहतर होना चाहिए, वरना कार्रवाई के लिए विकल्प खुले हैं। इससे अफसरों को ही नुकसान होगा। अधिकारी इसे सूचना न समझे, निर्देश मानकर कार्य करें। मंत्री सुरेश खन्ना आज मेरठ में वन महोत्सव के तहत गावड़ी में पौधारोपण के बाद विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने यह कहा। मैं आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और मेरठ के प्रभारी होने के नाते मैं अपने दोनों सहयोगी मंत्रियों के साथ आदरणीय श्री दिनेश खट्टिक जी जो जल शक्ति के राज्य मंत्री हैं और आदरणीय श्री दानिश अंसारी जी जो अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ के राज्य मंत्री हैं, वो दोनों लोग हमारे साथ में हैं और हमारे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, माननीय श्री विजयपाल तोमर जी, माननीय श्री अमित अग्रवाल जी, माननीय श्री भारत धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और सभी जनप्रतिनिधि, हमारे महामंत्री भी हैं जो युवा मोर्चे के श्री वरुण गोयल जी, सभी लोग आज खास तौर से वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उपस्थित रहे और मैं वृक्षारोपण के कार्यक्रम के निमित्त आज विशेष रूप से मेरा आना हुआ था यहाँ पर। वृक्षारोपण के कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से हमारी बात भी हुई आपके पत्रकार मित्रों के साथ, लेकिन मैं विशेष रूप से चाहता हूँ आप सभी का सहयोग। उत्तर प्रदेश में 40 दिन में 35 करोड़ वृक्ष लगाने हैं और ये एक ऐसा अभियान है जो सभी लोगों के लिए सुखदायी होगा, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण के माहौल में वृक्षारोपण सबसे बड़ा सहारा है प्रदूषण को कम करने का, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का। आज के दिन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है और जितने भी हमारे किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं उन सबसे भी इस बात का हमने आग्रह किया है कि वो भी 10-10 पेड़ कम से कम लगाएं। 2,59,00,000 किसान लाभार्थी हैं जिन लोगों को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में उनके अकाउंट में जाता है और हमारा सभी से आज आग्रह है कि वो लोग विशेष रूप से इस अभियान के साथ जुड़ें और पेड़ लगाएं। और आप सभी से भी मेरा आग्रह है कि आप सब लोग इस अभियान में सहयोग करें इस 25 करोड़ वृक्ष लगाने में। और हमने ये भी कहा है कि हर व्यक्ति 2 पेड़ लगाए, पति पत्नी के नाम से पेड़ लगाए और पत्नी पति के नाम से पेड़ लगाए और दोनों की सुरक्षा और संरक्षण एक दूसरे के लिए करें। एक दूसरे के प्रति जज्बात स्वाभाविक होते हैं और साथ ही साथ एक प्रतियोगी भावना भी होगी कि हम दूसरों से बेहतर अपने पेड़ों का संरक्षण। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने जिला महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ कैंट विधायक अमित अग्रवाल, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज और कमलदत्त शर्मा आदि भी मौजूद रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।